सदैव सुर्खियों में रहने वाले प्रदेश के पूर्व कांग्रेसी वन मंत्री और धार जिले के गंधवानी से विधायक उमंग सिंगार का आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए जाने का बयान प्रदेश की राजनीति में फिर से सुर्खियों में आ गया है और एक नई बहस का मुद्दा उन्होंने एन विधानसभा चुनाव के पहले छेड़ दिया है। जबकि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल आदिवासी वोटों को साधने नई नई घोषणाएं करते नजर आ रहे हैं और प्रदेश भाजपा सरकार ने तो विधानसभा और लोकसभा चुनाव को देखते हुए आदिवासी वोटों को साधने, पैसा एक्ट सहित कई सारे अधिकार एवं सुविधाएं आदिवासियों को दिए जाने की घोषणा कर दी है और कई कानून भी बनाए हैं। दरअसल उमंग सिंगार के आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए जाने के बयान के कई सारे मतलब है। प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग को लेकर धार जिला केंद्र बिंदु पर रहा है। 1980 में जब स्वर्गीय शिव भानु सिंह सोलंकी मनावर से कांग्रेसी विधायक बने और उन्हें प्रदेश कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन लिया गया था, ऐसे में स्वर्गीय अर्जुन सिंह को स्वर्गीय संजय गांधी की निकटता का लाभ देते हुए प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया था। जिसके बाद प्रदेश में परिवहन मंत्री रहे स्वर्गीय प्रताप सिंह बघेल और उमंग सिंगार की बुआ कांग्रेस की पूर्व उप मुख्यमंत्री जमुना देवी भी लगातार प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने की मांग करती रही। अब रविवार 6 अगस्त को धार जिले के बदनावर विधानसभा के कोद में कांग्रेस के कद्दावर नेता और विधायक उमंग सिंगार टंट्या मामा भील की मूर्ति का अनावरण करने बाइक रैली के माध्यम से पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने प्रसिद्ध कोटेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन करने के पश्चात टंट्या मामा की मूर्ति का अनावरण किया। साथ ही एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना, जब तक मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आदिवासी नहीं बैठे घर मत बैठना, मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आदिवासी बने, मेरी बात नहीं कर रहा, मेरे अपने समाज की बात कर रहा हूं, मैं नेताओं का प्रिय नहीं हूं, मैं आदिवासियों का प्रिय हूं, मैं आपकी बात करता हूं, आपके अधिकार की बात करता हूं, तो इन नेताओं को मिर्ची लगती है, मैं डरने वाला आदमी नहीं हूं। उमंग सिंगार ने बदनावर से विधायक प्रदेश के उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव पर निशाना साधते हुए कहा कि इस सीट पर आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, दत्तीगांव के लोग आपको लूट रहे हैं, आदिवासी तीर भी रखता है और कमान भी रखता है और फालिया भी साथ रखता है, माछलिया घाट से लेकर बदनावर तक यह विधानसभा सीट हमारी है। साथ ही उमंग ने कहा कि राजा महाराजा सुन ले, कहानियां तो राजा महाराजाओं की लिखी जाती है पर इतिहास तो आदिवासियों का ही लिखा जाता है, आपकी ताकत से सरकार हिलने लगी है, कई राजनीतिक बड़े लोग आपको बांटने में लगे हैं। उमंग सिंगार के उक्त बयान से प्रदेश की राजनीतिक महकमे में एक बार फिर से आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग जोर पकड़ सकती है। ऐसे में उमंग सिंगार ने विधानसभा चुनाव के पूर्व नया दाव खेलते हुए राजनीतिक महकमे में हड़कंप मचा दिया है। वहीं जानकार लोग उमंग के इस बयान को उन पर लगे तमाम आरोपों से ध्यान हटाकर प्रदेश में खुद को मजबूत नेता के रूप में स्थापित करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेसी आलाकमान के करीबी का लाभ उठाते हुए विधानसभा चुनाव कांग्रेस की सरकार बनने के समीकरण खुद को प्रदेश की सत्ता आने पर शीर्ष पर लाना बतला रहे हैं। कहना चाहता हूं कि जब तक मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आदिवासी नहीं बैठे घर मत बैठना। चाहते हो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आदिवासी बने? मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं लेकिन अपने समाज की बात कर रहा हूं। चाहते हैं हमारे समाज का आदिवासी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। मैं नेताओं का प्रिय नहीं हूं, मैं आदिवासियों का प्रिय हूं। मैं आपकी बात करता हूं, आपके अधिकार की बात करता हूं। कई नेताओं को मिर्ची लगती है लेकिन डरने वाला आदमी नहीं हो। पूरी सीट पर जिस प्रकार से आदिवासियों का शोषण हो रहा है, इस सीट पर माछलिया दत्ती गांव के लोग आके आपको लूट रहे, लेकिन आदिवासी तीर भी रखता है, कमान भी रखता है, फालिया भी रखता है और माछलिया घाट से लेकर बंदावर विधानसभा हमारी है।
तो ये मैं बात इस कोटेश्वर से सुन ले, उन राजाओं महाराजाओं को कहना चाहता हूं, कहानियां तो राजा महाराजाओं में लिखी जाती है, इतिहास तो आदिवासियों का लिखा है। आपकी ताकत सरकारें हिलने लगी, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई बड़े राजनीतिक लोग हम आदिवासियों को आपस में बांटने में लगे। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं?